Dear aspirants and board students, once again a very warm welcome to your own educational channel. Now we will discuss about some more questions, table based questions of analytical chemistry. ठीक है, इसमें से क्या questions बनते हैं आज fourth question में आपको बताऊंगा. तीन questions मैं पहले बता चुका हूँ. ठीक है, तो sodium hydroxide solution is added to the solutions containing the ions mentioned in list X. Y gives the details of the precipitate as the ions with their colored precipitates. ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को जो है ऑप्शन देगा. ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है. ठीक है, तो लिस्ट एक्स में दिया गया है और लिस्ट वाई दी गई, लिस्ट एक्स लिस्ट वाई, तो हमें मैच करना है. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बताऊंगा. ठीक है, मैच करके, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखेंगे तो उसके सामने लिखेंगे. ठीक है, और कंपटीशन में तो आपको बताइए कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो हमारी सीट को भरना होता है. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए Pb+2. ठीक है, कल भी इससे डिस्कस किया था हमने. Pb+2 की अगर बात करें तो Pb जो द राइट आंसर हो जाएगा इसका, वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, ये वाला इसका सही उत्तर है. ठीक है, मैं इसके सामने लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो. हाँ, Pb+2 में डी को आपने मैच करना है. ठीक है, वाइट सोलेबल इन एक्सेस. अब सेकंड की बात करें, Fe+2. Fe+2 जो देगा, ठीक है, Fe+2 देता है आपको डर्टी ग्रीन, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इसी के आगे सी. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, डर्टी ग्रीन जो है इसका प्रेसिपिटेट बनता है. Zn+2 की बात करें, ओके, Zn+2 थर्ड वन देखिए, तो ये होता है वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस, तो ये भी वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस होता है. ठीक है, तो इसका ई हो जाएगा. ठीक है, इसका हो जाएगा ई. अगर दोनों में सोल्यूबल इन एक्सेस हो तो पहले जो अवॉर्ड है ना, तो उसको हम पहले लिखें, तभी मैंने पहले डी लिखा. ठीक है, इसको कन्फ्यूज मत करना. फोर्थ क्वेश्चन, Fe+3. Fe+3 की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, ये देता है रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है, यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा ए. ठीक है, इसका हो जाएगा ए. तो वेन एवर यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम्स, ओके, बोर्ड स्टूडेंट्स अगर लिख रहे हैं तो Fe+3 लिखना, उसके सामने डैश करके फिर जो है आप उसको कलर लिख सकते हैं रेडिश ब्राउन या ए लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर समझ जाए ए के बाद रेडिश ब्राउन. ओके, फिफ्थ Cu+2. Cu+2 देता है ब्लू कलर. ओके, सो इसका हो जाएगा एफ. ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ. देन लास्ट वन बचा है, फोर्थ का होता है आपका. ठीक है, जो फोर्थ वन है, नहीं इसी यहाँ पर फोर्थ नहीं हुआ है, सिक्स्थ हुआ है, गलत छुपा यहाँ पे. ठीक है, तो वी आई होना चाहिए ना सिक्स्थ. ओके, सिक्स्थ का जो है आपका, अब क्या बच गया, वाइट इन सोल्यूबल इन एक्सेस. ओके, सो राइट आंसर इज बी. ओके, बी इज द राइट आंसर. तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ यू हैव टू given certain blank places are left in the following table and these are labeled as A, B, C, D, E. Identify each of them. Okay? So, इसका कैसे कर सकते हैं हम? First, देखो, HCl gas है, lab preparation of HCl gas की बात कर रहा है. Reactant इसमें use होते हैं NaCl, H2O. Okay? NaCl, H2SO, 4. और product जो बन रहे हैं, product को देखिए, A में हमने भरना है. ठीक है, और ड्राइंग एजेंट इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलता है. ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्शन बी में बढ़ना है. सो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इस क्वेश्चन से आपके बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, अगर हम लेबोरेटरी मेथड देखें HCl गैस के प्रिपरेशन की, ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक क्या आपका तैयार हो रहा है, और मेथड ऑफ कलेक्शन क्या है. ठीक है, और ड्राइंग एजेंट इसमें क्या मिलता है, इसमें ड्राइंग एजेंट जो यूज करते हैं वो है कंसंट्रेटेड H2SO4. सो फर्स्ट का ए में आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, NaCl प्लस H2SO4 वर्क करेंगे तो इसमें बनता है Na. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसको देख लो, Na और SO4, HSO4, एक H यहाँ से मिलेगा HSO4, देन 1HCl इससे रिएक्ट करके तो HCl बन जाएगा. ठीक है, सो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए में, आपको लिखना है NaHSO4 प्लस HCl. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस NaHSO4 प्लस HCl. ओके, देन इन बी, इसको ध्यान में रखना, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया भी है. सो
बी में आता है जो इसका मेथड ऑफ कलेक्शन है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ओके अपवर्ड लिख लेता हूं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, कभी ये वन मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ओके अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो इस तरह से तुम्हारी तैयार हो गया मेथड ऑफ कलेक्शन पता चल गई किस तरह से एसएल गैस को जो इसका कलेक्शन किया जाता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं। अब यहाँ पे एन एस थ्री में हमने रिएक्टेंट्स जो है लिखना है एक, और ड्राइंग एजेंट क्या यूज होगा और मेथड ऑफ कलेक्शन, तीन चीजें हमने बतानी है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यूज होते हैं ठीक है एन एस थ्री गैस के लिए, अमोनिया गैस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग है ठीक है, एम जी थ्री एन टू प्लस एच टू ओ जो है यहाँ पे रिएक्टेंट यूज होंगे ठीक है। उसके बाद जो है ये बनता है, हो सकता है कभी तो मैं रिएक्टेंट दे दें और कौन सी गैस बन रही है, तो यहाँ पे एन एस थ्री गैस होती है ठीक है, एन एस थ्री गैस होती है। फिर एम जी ओ एच होल ट्वाइस एन एस थ्री ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट इसके जो बन जाएंगे एम जी ओ एच होल ट्वाइस प्लस एन एस थ्री ठीक है, ये इसके प्रोडक्ट होगी ठीक है, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट होगी। तो इसमें ड्रैग एजेंट मैंने कई बार आप लोगों को बताया सी ए ओ, ओके कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है इसमें ठीक है, ना कि कंसेंट्रेटेड H2SO4। देन मेथड ऑफ कलेक्शन इसमें होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, केवल एक ही वर्ड में चेंज करना है फर्स्ट वाले से, उसमें अपवर्ड हो रहा था इसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ओके तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। So these are the questions which is related to the analytical chemistry. Okay, अब हम उसके बाद के chapter के next video में discuss करेंगे। Thank you.